बच्चा हमेशा पढ़ाई से दूर भागता था। जब कभी भी उसे पढ़ने के लिए कहा जाता तो वह अपनी पढ़ाई नहीं करता था। जब कभी वह पढ़ने बैठता तो वह इधर उधर की बातें सोचता और अपनी पढ़ाई को टाल देता, सोचता कि वह बाद में पढ़ लेगा। जब वह पढ़ने बैठता और देखता कि उसे बहुत सारा पढ़ना है, यह सोचकर किताब बंद करता और खेलने चला जाता और सोचता कि बाद में पढ़ लूंगा। ऐसा करते करते पूरा साल निकल गया और परीक्षा का समय आ गया। उसे अब एक साथ बहुत सारी पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसके पास अब समय नहीं था। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से वह बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। फेल होने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और उस दिन बच्चे ने निर्णय लिया कि वह अपनी पढ़ाई समय पर करेगा और कभी भी पढ़ाई को नहीं टालेगा। बच्चों, हमें भी हमेशा समय रहते अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई को आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।